Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I'm very thankful to the management of Peshawar University and specifically to the chairman. And I'm thankful to the Department of Journalism and Mass Communication. I'm really sorry. I am Hammad Safi and I'm a later professor. People call me Nana Professor, but I am not actually. They call me by love. They love me. They like me. So that's why people call me Nana Professor. But I salute to the professor, as we have Mr. Bhagat. He is also a professor. So I salute to him. You have PhD, and you have 15 to 16 years experience if you are a professor. So today, we'll be talking about the success, the story of success, but start from the challenges. Dunya mein har kadam, har lamha, har ek pal challenge hai. Har ek minute, har second, har ek day, har ek month, har ek saal, challenge hi challenge hai. Jab hum is duniya mein paida ho jate hain, to sabse pehla challenge jo hamara hota hai, wo chalna. Insaan jage ek dafa gira nahi hota, wo chalna nahi sikta. Main hoon, to main bhi bachpan mein bahut gira hoon, tab maine jaakar chalna sikha hai. Hum har ek cheez mein fail hote hain, phir baad mein success hote hain. हम कहते हैं कि फेलियर इज ऑपोजिट ऑफ सक्सेस. एक फेलियर होता है, एक सक्सेस होता है. गलत, ये बात गलत है. फेलियर ऑपोजिट नहीं होता सक्सेस का. फेलियर जो है वो पहला हिस्सा है और मेन हिस्सा है सक्सेस का. सक्सेस जिसे हम कामयाबी कहते हैं, विक्ट्री, जब हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं. तो याद रखिएगा कि दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं है. हम अगर दुकानदार के पास जाते हैं, पैसे देते हैं, तब वो चीज देता है. पैसे नहीं देते तो वो नहीं देता. फ्री में नहीं है कोई. अब आप सोचो, आप सोच रहे होंगे कि भिखारी तो भीख फ्री में लेते हैं. वो भी भीख फ्री में नहीं लेता. उसके पास भी कोई चीज है जो वो लोगों को देता है, तब लोगों से भीख देते हैं, तब लोगों से जाकर पैसे देते हैं. वो है इज्जत. उनके पास यस इज्जत का वजूद उनके पास होता है. वो अपना ग्रेस डाउन करके, अपनी डिग्निटी डाउन करके वो हाथ आगे करते हैं और पैसे मांगते हैं. तो जो भी हाथ आगे करते हैं वो शर्म से, डिग्निटी, अपनी ग्रेस को डाउन करके, खत्म करके हाथ आगे करता है. तो याद रखिए, दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं है. हर एक चीज की अपनी एक कीमत है, एक वैल्यू है, एक वर्थ है हर एक चीज की. कोई चीज भी मुफ्त नहीं. अब है सक्सेस की. दुनिया में हर आदमी सक्सेस होना चाहता है, लेकिन हम सोचते हैं कि सक्सेस क्या चीज है. हम सोचते हैं कि सक्सेस ये है कि बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो और साथ में स्विमिंग पूल भी हो, बड़ी सी बस लग्जरियस लाइफ हो, इसे हम सक्सेस कहते हैं. लेकिन नहीं, सॉरी सर, सक्सेस वो होता है विक्ट्री, जब हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं. वो हमारी सक्सेस है. हम सक्सेस तब होते हैं जब हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं. देखिए कि पैदाइशी कोई साइंटिस्ट नहीं होता, पैदाइशी कोई स्टीव जॉब नहीं होता, पैदाइशी कोई बिल गेट्स नहीं होता, कोई पैदाइशी बड़ा आदमी नहीं होता. वो कदम कदम पर, स्टेप स्टेप्स के बाद फिर जाकर सक्सेस हो जाता है, कामयाब हो जाता है, अपना ड्रीम उसका जो फुलफिल हो जाता है. तो यहाँ अब मैं आपको कुछ स्टेप्स जो है, वो स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स है जो स्टार्ट है और जिससे हमारी 80% सक्सेस मुकम्मल होती है. अगर हम इस पे सोच करें, इस पे जरा ध्यान दें, फोकस करें और इसी को अपनाए. पहली है हार्डवर्क, मेहनत बहुत जरूरी है. हम मेहनत नहीं करते तो हम कामयाब नहीं हो सकते, हम स्ट्रगल नहीं करते. दुनिया में याद रखिए दो तरह के लोग होते हैं. दुनिया में दो तरह के किस्म के, एक होता है ड्रीमर और एक होता है रेस्ट टेकर. ड्रीमर ड्रीम करता है, सोच करता है, अपने लिए गोल सेलेक्ट करता है, डायरेक्शन सेलेक्ट करता है, लेकिन जब जाता है रास्ते में थोड़ी सी मुश्किल आती है, पीछे हट जाता है. लेकिन ये नहीं, अगर आप राइट वे पे हैं तो आपको मुश्किल खामखा आएंगी. जैसे कि मेरी मंजिल है कि मैं वहां से उधर जाऊं, उस दीवार तक ये मेरा मंजिल है कि जाऊं. लेकिन कुछ लोग इधर से भोंकेंगे, कुछ लोग इधर से, कुछ नीचे से, कुछ ऊपर से, आसपास को जो एनवायरमेंट है वो तुझे घेर लेगा, तुझे घेर लेगा और कहेगा नहीं जा सकते, तुम नहीं बन सकते, कर ही नहीं सकते. हमारे दिमाग पे भी भरोसा था, उसे मान लेते हैं और हम चले जाते कि नहीं कर सकते. मड़ा मैं दरम्यान में कौन, जब अकेला सो के हम, यस हम कहते हैं ना जब अकेला सो के हम. तो फिर यही है. लेकिन याद रखिए कि चैलेंज जो होता है वो हमें फेस करने चाहिए. दो तरह के चैलेंज, एक होता है कि आदमी चैलेंज कर लेता है, जीत जाता है चैलेंज में,
और एक होता है जो दिल से कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है चैलेंज को, कि आओ भाई मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ, जो दिल से कबूल करता है वही फिर जीतता है। हम कहते हैं ना कि जब चैलेंज होता है, एक तो चैलेंज में जीत होती है, दूसरी क्या होती है, जीत होती है और दूसरी क्या होती है, हार। तुम लोगों ने हार बोला, लेकिन नहीं, ये हार नहीं है, दूसरी है सीखना। हार नाम की कोई चीज है ही नहीं, लर्निंग। हार नाम की कोई चीज हम जिंदगी में है ही नहीं। अगर हम अपनी जिंदगी से हार नाम निकाल ले, दुनिया के कदम कदम पर जो चैलेंज है उसे दिल से कबूल कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो हम फिर बन सकते हैं जो हमारी ड्रीम होती है। वी कैन डू दैट एंड वी कैन बी एज वी वॉन्ट। बस ये एक लफ्ज आपकी पूरी तकदीर बदल कर देगा, आपकी पूरी तकदीर बदल देगा। लेकिन हम उस पर जब काम करें, ऐसे भी नहीं है कि सिर्फ डाल दो दिन रात सो, काम ना करो, दिन रात खराटे मारो, घर में जाओ आराम से बेड पर सोए कि भाई कुछ भी नहीं, खुद ही कामयाब होऊंगा ना, लोग आएंगे ना, ऐसा नहीं होता। हम जब स्ट्रगल करते हैं, जिस तरह मैंने कहा, ड्रीमर ड्रीम करता है, सोचता है, आगे जाता है लेकिन फेल हो जाता है, वो पीछे हट जाता है, लेकिन रिश्ते का हार नहीं मानता। ही डजंट गिव। रिश्ते को दिन रात मेहनत करता है, वो स्ट्रगल करता है, हार्ड वर्क करता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। उस पर जो भी मुश्किल आता है वो लोगों को नहीं देखता कि लोग क्या कहते हैं, अपना काम, अपना डायरेक्शन, अपने वे। वो अपने क्लास का ख्याल नहीं रखता, वो अपने कुछ का ख्याल भी नहीं रखता, एक मिशन हो उसको ऊपर लगे रहो। यस एग्जैक्टली। तो स्ट्रगल करता है, ड्रीमर ड्रीम कर तो सो जाता है रात को, खराटे मारता है, लेकिन रिश्ते कर वो जागा होता है, वो काम कर रहा होता है, सर्फिंग कर रहा होता है, अपने लिए टॉपिक्स लेक्चर्स वेरी करता है, अपना जो मिशन है विजन है उस पर काम करता है, कि भाई ये तो सो रहे मैं तो चलो काम करूँ ना, कि कल को ये सोया रहेगा मैं तो कुछ करूँ, कि मेरा तो कोई नाम हो ना, सक्सेस हो जाओ, कामयाब हो जाओ, विक्ट्री हासिल कर सकूँ, अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाओ। तो ये है। दूसरी है सबर। सबर का वजूद होना चाहिए खामखवा। सबर बेहतरीन चीज है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हर रोज गली से गुजरते तो बूढ़ी औरत उन पे गन डालती है, उन्होंने सबर किया, 4 महीने मुतवातिर गन डाला लेकिन एक दिन नहीं डाला, तो वो परेशान हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी से पूछा कि क्यों आज उसने मुझ पे गन क्यों नहीं गन, उन्होंने उससे कहा कि वो बीमार है। फिर वो उनकी बीमार पुरसी के ले जाते हैं, तो फिर वही उधर ही उसके साथ ही वो औरत इस्लाम कबूल कर लेती है। तो सबर बेहतरीन चीज है। दुनिया में एक चीज है जो किसी के लिए ना सबर करती है और ना रुकती है। एग्जैक्टली। हम उसके लिए सबर करते हैं कि वक्त आएगा, हम सबर करते हैं अच्छा अभी 3 बजे, ओ 4 बजे कब बजेंगे, तो हम सबर कर, वो नहीं करता, वो तो अपने डायरेक्शन उसके पास होता है, चला जाता है। तो दुनिया में हमें 3 तरह के जो चैलेंजेस होते हैं वो उसे हम फेस करते हैं। पहली चैलेंज जो होती है वो हम अपने आप, मतलब खुद ही वो चैलेंज हम अपने ऊपर डालते हैं, खुद ही उसको फेस करते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूंगा चैलेंज जो है। दूसरी है वो हमें नेचर देती है, ये कुदरत जो है वो चैलेंज आपको दे देती है। और तीसरी जो है आपके पेरेंट्स, आपकी इन्वायरमेंट, आप पे दबाव डालकर वो चैलेंज दे देती है। तो जब आंखें खुलती है बच्चे की, जैसे मैंने कहा, तो गिर कर वो फिर चलना सीखता है। तो फिर तीसरी चैलेंज उसके लिए क्या होती है, स्कूल। स्कूल जब जाता है, स्कूल में टीचर क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पर काम करके छोड़ देते, समझाते समझाते कुछ भी नहीं है, बच्चों को चुपके से मारते हैं टापू। तो ज्यादा मैक्सिमम लोग होते हैं तो वो फोकस नहीं हो जाता ना, टीचर फोकस नहीं करता, तो उनके पास तो फिर एक ही हथियार, एक ही वेपन होता है, चुक्का पकड़ो, सबको लाइन लाइन से प्रख 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 प्रख, अभी मैं खड़ा हो जाऊं, स्टिक उठाऊ और आप सबको एक एक मारू, तो दर्द होगा ना, होगा ना, खामखवा होगा। तो बच्चा भी उसे डर से, उसी डर से बच्चा डरता है, वो फिर स्कूल नहीं जाता कल। फिर कल अगर नहीं जाता कल स्कूल, तो माँ बाप उसे 2-3 थप्पड़ मार देते हैं। फिर कल फिर कहेगा यो छुट्टी में होकर पीढ़ी दिला सब या बोला छुट्टी, तो वही होता है ना, तो वो फिर छुट्टी कर ले, इसी छुट्टी छुट्टी में उसका दिल छुट्टी हो छुट्टी हो छुट्टी खत्म हो जाता है, फिर वो घर पे रह जाता है। तो ये टीचर्स की जिम्मेवारी है कि उस बच्चे को सिखाए। अभी तीसरी पार्ट जो है हमारी सक्सेस की, वो